नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों कैसे हो? सिंह राशि के अलावा वह दोस्त जिनकी राशि सिंह नहीं है परंतु लगन सिंह है, वह दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई माह काफ़ी सकारात्मक दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति उत्तम बनी हुई है, धन के आवागमन में वृद्धि होगी। मास के शुरुआती दो सप्ताह सूर्य और बुध की कृपा से आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। इस अवधि में राशि स्वामी सूर्य और धनवाप्य स्वामी बुध की लाभप्रद स्थिति से आपका आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। मास के अंतिम दो सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर और दुरुस्त करने के लिए शुक्र मोर्चा संभालेगा। शुक्र की लाभप्रद स्थिति से आर्थिक उन्नति के साथ साथ सुखों में भी वृद्धि होगी। सुख, चैन, सब कुछ मिलेगा। कर्म फलदाता शनिदेव का राशि परिवर्तन आपके शत्रुओं पर कहर बनकर बरसेगा। शनि के न्याय की छड़ी जब आपके शत्रुओं पर घूमेगी, प्रत्यक्ष शत्रु हो या गुप्त शत्रु, सब आपके भय से भयभीत होकर थर थर कांपते नजर आएंगे। सिंह राशि की जुलाई माह की गोचर कुंडली आपके सामने है। हर एक ग्रह की बात करेंगे, कोई आलतू फालतू बात नहीं करेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार जो संभावित हो सकता है केवल उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, गोचर वर्ष जुलाई माह में चार ग्रहों बुध, शनि, शुक्र और राशि स्वामी सूर्य का राशि परिवर्तन है। सूर्य को छोड़कर अन्य तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए अत्यधिक उत्तम और लाभप्रद साबित होगा। राशि परिवर्तन से पहले सूर्य के भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं जुलाई माह में सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह बुध से। दोस्तों, बुध आपकी राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि बुध आपकी राशि के लिए धन और लाभ आपका स्वामी है। बुध का शुभ अशुभ गोचर सीधा आपके बैंक बैलेंस को प्रभावित करता है। 2 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन कर लाभ भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। बुध का लाभ भाव पर संचार अत्यधिक लाभप्रद है। ऐसा बुध लाभ भाव का स्वामी भी हो जाए तो सोने पर सुहागे जैसा है। धन एवं लाभ भाव के स्वामी बुध का लाभ भाव पर संचार आपके धन में वृद्धि करने का कार्य करेगा। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। अपने भावी कार्य के साथ साथ आय के अन्य स्रोतों पर भी कार्य कर सकते हैं। इस समय मित्रों के माध्यम से भी लाभ के अच्छे योग बनेंगे। बुध का संबंध बुद्धि, वाणी और व्यापार से भी है। इनसे संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को प्रचुर मात्रा में धन लाभ के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। कंसल्टेंसी और ब्रोकरेज से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को कमीशन के रूप में मोटा मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, बुध की लाभप्रद स्थिति से कुटुंबीजनों, मित्रों और रिश्तेदारों के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। धन के आवागमन में वृद्धि से अधूरी पड़ी इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई देंगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष वृद्धि होगी। पांचों उंगलियां घी में रहेंगी। कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने के लिए समय की शुभता उन्नति के अवसर प्रदान कर रही है। कार्य व्यापार में विस्तार करने के लिए सरकार और पिता का भी पूर्ण सुख एवं सहयोग प्राप्त हो रहा है क्योंकि सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्यकारक सूर्य भी लाभ पर बुध के साथ युति योग बना रहा है। इस समय सरकारी नीतियों से व्यापार में लाभ होगा। लाभ पर बुध आदित्य योग का निर्माण आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि कर रहा है। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए आपको अपने बुद्धि बल, ज्ञान कौशल और सूझबूझ का बहुत लाभ मिलेगा। कार्य व्यापार के रास्ते आने वाली चुनौतियों को अपनी बौद्धिक योग्यता के द्वारा
सरलता से दूर कर लेंगे। कुल मिलाकर बुध का राशि परिवर्तन काफी अनुकूल रहेगा। लाभ पर बुध 17 जुलाई तक गोचरस्थ रहेगा। बुध के बाद राशि परिवर्तन है कर्म फलदाता शनि देव का। 12 जुलाई तक शनि दंपत्याभा पर वक्री अवस्था में गोचर करेगा। दोस्तों दंपत्याभा पर स्वग्रही शनि के मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं, परंतु ऐसा शनि जब वक्री हो जाए तो अधिक खतरनाक बन जाता है। इसलिए खासकर 12 जुलाई तक जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें, तालमेल बनाए रखें। दंपत्य जीवन में पैदा छोटी छोटी बातों को तूल ना दें, अनदेखा कर दें तो अधिक बेहतर है, नहीं तो शनि की अग्नि परीक्षा दंपत्य सुख को प्रभावित कर सकती है। 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे चले जाएंगे तथा शत्रु स्थान पर मोर्चा संभालेंगे। अब शत्रु स्थान पर शनि का वक्र प्रभाव चुन चुन कर आपके शत्रुओं का सफाया करेगा। पिछले समय से चिंता परेशानी का कारण बने हुए शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कार्य व्यापार की प्रतिस्पर्धा में विजयी रहेंगे। शनि से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले दोस्तों को विशेष फायदा होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले हैं तो उन मामलों में भी शनि के आशीर्वाद से आपका पक्ष हावी रहेगा। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे। खासकर आयल्स करने वाले विद्यार्थियों को शनि के गोचर का लाभ मिलेगा। अंग्रेजी विषय में पकड़ मजबूत होगी। कुल मिलाकर शनि का छठे भाव पर संचार हर मोर्चे पर सफलता प्रदान करेगा। दोस्तों जुलाई माह में तीसरा राशि परिवर्तन है लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का। 13 जुलाई तक शुक्र अपनी राशि में विराजमान होकर दशम भाव पर संचार करेगा। दशम भाव कर्म से संबंधित कुंडली का बहुत शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। कर्म भाव के स्वामी शुक्र का कर्म भाव पर संचार आपको कर्म प्रदान बनाएगा। आपकी राशि के लिए शुक्र कर्म भाव के साथ पराक्रम भाव का स्वामी भी है, इसलिए इस अवधि में अपनी लगन मेहनत पराक्रम और प्रयासों से लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मी और उच्च अधिकारी वर्ग भी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। 13 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब लाभ भाव पर 3 ग्रहों का युति योग लाभ की स्थिति को अत्यंत मजबूती प्रदान करेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे लाभ की संभावनाएं अधिक बनेगी। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। नौकरी पेशा दोस्तों को भी इस समय लाभ के अवसर पैदा होंगे। स्त्री पक्ष के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे तथा शुक्र के इस गोचर काल में स्त्री पक्ष के साथ मित्रता लाभप्रद रहेगी। स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को भी शुक्र के इस गोचर काल में विशेष लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों आपकी राशि के लिए शुक्र का संबंध लेखन और संचार कार्यों से भी है, इसलिए लाभ पर गोचर शुक्र के राइटिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, कुरियर, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए यह समय काफ़ी लाभप्रद रहेगा। क्रिएटिविटी में गजब का निखार पैदा होगा। दंपत्य और प्रेम जीवन में भी शुक्र की शुभता से प्रसन्नता का माहौल बनेगा। कुल मिलाकर शुक्र का राशि परिवर्तन भी काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। शुक्र के बाद राशि परिवर्तन है राशि स्वामी सूर्य का। 16 जुलाई तक सूर्य लाभ पर संचार करेगा। लाभ पर सूर्य के भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। सूर्य राशि स्वामी भी है, इसलिए इस समय शारीरिक आरोग्यता प्राप्त होगी। शरीर निरोग रहेगा, स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। सरकारी काम काजों में सफलता मिलेगी। समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे तथा वह भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों के अपने उच्च अधिकारी वर्ग के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। सरकार और पिता के माध्यम से खूब लाभ होगा। अधिकार पसंद सूर्य का लाभ स्थान पर संचार आपके प्रभाव और अधिकार में वृद्धि कर सकता है। आपका दबदबा बढ़ेगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 16 जुलाई तक उस कार्य को निपटा लेना अधिक बेहतर रहेगा। दोस्तों 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। द्वादश भाव पर गोचरत सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है।
इस समय स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहें। अब सूर्य के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। जुलाई माह में अंतिम राशि परिवर्तन है बुध का। 17 जुलाई को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस समय आय के साथ साथ व्यय भी बढ़ सकते हैं, फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। विदेशी स्रोतों से आय में विशेष वृद्धि होगी। विदेश से जुड़े या जोड़ने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए बुध का राशि परिवर्तन काफी अनुकूल रहेगा। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह समय काफी सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा पराक्रम भाव पर केतु का संचार भी उत्तम है, आपके साहस पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान कर रहा है। अष्टम भाव पर गुरु तथा भाग्य भाव पर गोचरस्थ राहु एवं मंगल के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। यह ग्रह आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठने देंगे, आप सफलता और उन्नति के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। अपने बाहुबल और पराक्रम से विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देंगे। हर ग्रह किसी न किसी रूप से आपको सहयोग कर रहा है। दोस्तों, मास के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप अगस्त माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम अगस्त माह के राशिफल में करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।